आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पार्ट 7 वीडियो लेके आए हैं। इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स कलेक्ट किए गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट है वन हु ओफन स्टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट कार्ड, जो हमेशा मतलब अपने ही अचीवमेंट के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में ही बताता रहता है, दूसरों की नहीं सुनता, उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। नेक्स्ट इज अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स कॉल्ड, जो पुरुष औरतों की तरह व्यवहार करता है, रहन सहन होता है जिसका, उसको बोलते हैं एफिमिनेट। नेक्स्ट इज वन हार्ड टू प्लीज कॉल्ड, इसका मतलब ये है कि जिसको मनाना बड़ा कठिन होता है उसको बोलते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट इज वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस कॉल्ड, जो कानून से भागता फिरता है कोई गलत काम करके और फिर पकड़ में नहीं आता वो, तो उसको बोलते हैं फिगेटिव भगोड़ा। नेक्स्ट इज वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजन मैटर, जो धार्मिक के जो मैटर होते हैं उनमें बड़ा ही एंथुजियाज्म होता है, जिसमें बड़ा उत्साह होता है, उसको बोलते हैं हम फैनाटिक उत्साही। नेक्स्ट इज वन हु बिलीव्स इन फेट, जो किस्मत पे भरोसा रखता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन कार्ड, जो धर्म के विपरीत काम करता है उसको बोलते हैं हम हेरेटिक। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट कार्ड, ऐसा रोगी जो काल्पनिक सिम्टम्स एंड बीमारियों से ग्रसित होता है, जो एक्चुअल में नहीं होती लेकिन उसने कल्पना में कर रखी होती उनकी, तो उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, जिस पर्सन को आसानी से मतलब छला नहीं जा सके या टेम्पर मूर्ख नहीं बनाया जा सके, उस पर्सन को बोलते हैं इनप्रेग्नेबल। नेक्स्ट इज समवन हु टॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए बात करता है उसको बोलते हैं सोमनलकवी। नेक्स्ट इज वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड, जो मतलब अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु होता है, आकर्षण का बिंदु केंद्र बिंदु होता है, उसको बोलते हैं जहाँ पर ध्यान हमारा जाता है जिस चीज़ पे, वो आकर्षण का बिंदु होता है, उसको बोलते हैं सेंटर केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जो मतलब पूरे उसको संसार को अपनी कंट्री मानता है, अपना घर मानता है, तो उस टाइप के पर्सन को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, या जो हर जगह का निवासी हो, मतलब कई जगह रह चुका हो, कॉस्मोपॉलिटन होता है वो। नेक्स्ट इज वन हु स्नियर एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स कॉल्ड, जो दूसरों के विचारों पे कटाक्ष करता है, उनकी आलोचना करता है, उसको बोलते हैं साइनिक। नेक्स्ट इज अ डेबलर इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर कॉल्ड, डेबलर का मतलब होता है मतलब शौकीन टाइप का, सीरियस नहीं होता उस चीज़ में वो, उसको बोलते हैं हम डेलिटेंटी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हैविंग ए सोफिस्टिकेटेड चार्म कार्ड, सोफिस्टिकेटेड चार्म का मतलब होता है परिष्कृत आकर्षण होता है जो, उसको बोलते हैं डेबोनियर, मतलब खुश मिजाज। तो फ्रेंड्स ये था एंड ऑफ दिस वीडियो।